नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज और मैं आपके साथ एस्तर कुमारी। कटिहार से चंदन कुमार चौधरी की रिपोर्ट। फलका थाना के परिसर में मोहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। शांति समिति की बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास गोपाल कृष्णन, अंचलाधिकारी दिवाकर कुमार, थाना अध्यक्ष उमेश पासवान ने संयुक्त रूप से की, जिसमें शांति समिति के स्थायी सदस्य, जनप्रतिनिधि एवं समाज सेवी तथा गणमान्य लोग एवं सभी पदाधिकारीगण ने भाग लिया। शांति समिति की बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी गोपाल कृष्णन ने कहा कि पर्व त्योहार हिंदू और मुसलमानों का नहीं, यह भारतीयों का पर्व है, इसलिए सभी मिलजुल कर मनाएं। आगे कहा कि इस वर्ष कोरोना महामारी को लेकर COVID-19 गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन या जमावड़े पर रोक लगाई गई है। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर तजिया नहीं रखा जाए तथा अखाड़े का आयोजन नहीं किया जाए। जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का 100% पालन करने की अपील की गई। बारह साल के लड़का, 15 साल के लड़का ये अति कर रहा है, उस समय में है वो बूढ़े तो नहीं कर रहा है, वो अपने अति में रहते हैं। आप होटल सारे लॉकडाउन से कुछ रहना चाहिए, पर्व को पर्व की तरह वो सेलिब्रेट करें, पर्व को किसी दूसरे के सामने डाइवर्ट ना करें। इस पर आप सब जनप्रतिनिधियों को प्रशासन के साथ जोड़ने का जो सरकार का यह शांति समिति की बैठक वाला परंपरा है, हम लोगों का विशेष प्रशिक्षण जिला में हुआ था, इस मामले में हर वक्त होता है, हर पर्व में होता है। मुख्य है कोऑर्डिनेशन, प्रशासन और जनप्रतिनिधि और जनता के बीच कोऑर्डिनेशन, हमको लगता है उसके अलावा कोई बात ही नहीं होती। कोऑर्डिनेशन सही है तो कानून अपने जगह पर, प्रशासन के जो 10-20 पॉइंट हम लोगों को कल बताया जाएगा, भी नहीं बनाना है, लाइसेंस ले लेना है, किसी प्रकार का कोई अफवाह पर ध्यान नहीं देना, सारी प्रशासनिक बिंदु पर सबसे भारी होता है कि हमारे बीच आपस में कोऑर्डिनेशन हो, किसी प्रकार का कहीं कोई व्यक्ति अगर आपको सूचना मिले तो तुरंत मिले। मेरी हम लोगों की आवश्यकता जब हुआ तीनों आदमी सदैव उपस्थित हो, है ना, तुरंत फोन करिए, हम लोग हमेशा तत्पर हैं आपको सही। Watching our voice news for daily news updates and do follow, like and share this video. Thank you.